नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय सिविल हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं। बता दें, संजीवनी हॉस्पिटल जो बनाया गया था, जो कोरोना महामारी को देखते हुए उसके कोरोना वॉरियर्स जिनको कहा गया था, जो नौकरी लगाया गया था और उनको हटा दिया गया है, आज जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं भीम आर्मी के लोग भी इनके समर्थन में आ चुके हैं। इनकी मांग को लेकर के बातचीत करेंगे इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। पहले अपना परिचय करा देंगे। मैं पूनम हूँ, सात रोड से। मैं संजीवनी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी। तो पूनम जी, कितने लोग हैं जो आपके साथ में हटाए गए हैं? 86 है सर, 86 बंदे हैं जिनको हटाया गया, जिसमें स्वीपर भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है और वार्ड बॉय भी है। हाँ जी। तो भर्ती की गई थी, अब तो हॉस्पिटल का कुछ हिस्सा भी हटा दिया गया है। हाँ जी, हटा दिया गया है, हाफ हिस्सा हटा दिया गया, सिर्फ 200 बेड के समथिंग रह गया है अभी। हाँ जी। तो अब आप बताइए, क्या क्या मांग है आपकी और किस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? सर, हमारी मांगे यही है कि उस मतलब भीषण काल में हमने काम किया है वहाँ पे, इतने मुश्किल टाइम में, मतलब लोग घरों से बाहर जाने के लिए भी डरते थे और हमने वहाँ काम किया है, अपने मतलब जान का जोखिम नहीं देखा हमने, और हम अभी हटा दिया गया एकदम से, और नए बंदे वहाँ पे ले लिए गए हैं। तो ये क्या सर, अगर लेने हैं तो हमें में से लो, नए क्यों लगा रहे हैं वो अपने? ना हमारी सैलरी कभी कंप्लीट दी, ना कुछ। हम तो हमें यही कि हमारी जॉब चाहिए हमें वापस सर। इनका ये कहना है कि जब ज़रूरत थी तो हम लोगों को लगाया गया, और जब ज़रूरत नहीं रही तो हम लोगों को हटा दिया गया और नए लोग ले लिए गए हैं। नए लोगों लेने का क्या कारण है, ये बात कहना है कर्मचारियों का। इनके साथ में जो भीम आर्मी के लोग भी जुड़े हुए हैं, इनके समर्थन में आए, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो अपना परिचय करा दे। मेरा नाम प्रदीप बानखड़ है, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी हिसार, और मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला। मुद्दा आपने जान लिया बहन से कि यहां का जो प्रशासन शासन है गरीब लोगों को के ऊपर पेट पे लात मारने का काम कर रहा है, और वो ये वो योद्धा हैं जो कोरोना टाइम में जो फसल लहर आई थी, यानी कि डर का कितना माहौल था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, परेशान थे, लेकिन इन लोगों ने दिन रात संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडीज़ को बिठाया है, सैनिटाइजर भी किया है, सफाई भी करी है, बाथरूम भी साफ किए, सब कुछ काम किया है। ये कोई फर्स्ट क्लास ऑफिसर थोड़ी ना है कि फर्स्ट क्लास के ऑफिसर है और हमें तो भाई आईएएस का पद चाहिए, हमें तो भाई प्रिंसिपल बनना है, ये थोड़ी ना मांग रहे हैं। ये तो अपनी सिक्योरिटी गार्ड की, स्वीपर की, वही नौकरियाँ तो मांग रहे हैं। अभी सरकार ने प्रावधान किया है कि अगर उन लोगों को डीसी रेट के लेटर मिल रहे हैं जो वहाँ पे वर्किंग है, उन लोगों को डीसी रेट के लेटर मिल रहे हैं, यानी कि वो रेगुलराइज हो रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं? जो गाइडलाइंस हैं वो यही है कि जिसने फर्स्ट में जो काम किया है, जो पहली भागीदारी जिन लोगों के लिए काम करने की, उन्हीं लोगों को दोबारा से रखा जाए। लेकिन इतने घटिया मानसिकता के लोगों ने 86 लोगों के तुरंत प्रभाव से लात मारने का काम किया, और इन लोगों को लात मारने का काम करने के बाद में ये लोग बेरोजगार हैं आज, और ये कोई अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रदीप बानखड़ जी, जो नौकरी पे लगाए गए हैं दूसरे व्यक्तियों को इनकी जगह, वो कौन लोग हैं और किस तरीके से उनको भर्ती किया गया? क्या है कि देखो, मैं बताता हूँ, दो चाटुकार लोग होते हैं सर, ठीक है, चाटुकारिता आपको बड़े अच्छे से कि आप पत्रकार हैं, आपको भी बड़ा अच्छा ज्ञान है उन लोगों का। अब वो क्या कहेंगे, इनके तो पेट पे लात मार दी और अपने नियर एंड डियर को उठा के वो भर्ती कर रहे हैं। भाई वो क्यों भर्ती हो रहे हैं जब इन लोगों ने काम किया है? जब ये पांच पांच ग्लव डालते थे, ये मास्क डालते थे, पांच मास्क डालते थे, सैनिटाइजर करते थे, सफाई करते थे, तो ये जान का जोखिम तो इन लोगों ने दिया है, उन लोगों ने क्या किया है? लेकिन अब ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता इन लोगों के साथ में, ये 86 की 86 नौकरियां सरकार को या इस प्रशासन को इनको देनी होगी, नहीं तो भीम आर्मी के लोग ये जन आंदोलन करने के लिए तैयार। और प्रशासन को भी समझना होगा कि अगर ये काम नहीं होता तो ये सड़कें हिसार में भीम आर्मी के लोग नीली कर देगी, जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि डीसी महोदय बात करती है, कहीं बोलती है कि इनसे बात करो, सर्जन साहब से बात करो, सर्जन साहब कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी से बात करो, ये एक सर्कल बना दिया, 50 बार तो इन्होंने बात कर ली, कभी लेटर वो डीसी के नाम दे देते हैं, कभी डीसी मैडम सर्जन के नाम देती है, ये थोड़ी ना होता है, बार बार परेशान की नहीं करने का काम किया जा रहा है। अब ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है जी, और इसको हम जीत हमारे साथ इसको ढीला नहीं पड़ने देंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? कुमार सर, मैं वहाँ पे स्वीपर था संजीवनी हॉस्पिटल में सर। हमने जैसे हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है कि जितने भी कर्मचारी काम करते थे उनको पहले रोज़गार दिया जाएगा, तो हमने सर 1.5 महीने पहले जो जिस सिक्योरिटी अंडर में लगे थे परमवीर सिक्योरिटी सर, उन्होंने हमने दरख्वास्त की थी कि हमारा एक्सपीरियंस तो दिया जाए। तो जैसे अब हमने सुबह फ़ोन किया वहाँ पे मैडम है, खुशी मैडम, उनके पास फ़ोन किया, मैडम हमारा एक्सपीरियंस बन गया क्या? तो उन्होंने कहा आपके पास व्हाट्सअप कर दिया। मैम, मैंने बोला मैम हमें व्हाट्सअप से काम नहीं, हमें ओरिजिनल चाहिए।
तो और जनरल बोल रही है आप ऑफिस में आ जाओ और फीस 300 रुपये फीस दो और लेके जाओ। तो सर हम एक्सपीरियंस अपना खुद का एक्सपीरियंस देने के लिए 300 रुपये देंगे क्या? ऐसे ऐसे लात मारती है सर हमारे साथ जो वहाँ के ठेकेदार हैं। तो सर बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे से नौकरी तो नौकरी, एक्सपीरियंस लेने के लिए भी लोगों को परेशानियां आ रही हैं। बताया जा रहा है संजीवनी हॉस्पिटल में जितना दिन इन लोगों ने काम किया उसका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा, तो उसकी एवज में भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 300 रुपये मांग की गई। ये भी बड़ा सोचने वाला विषय है। हमारे साथ में संतलाल अम्बेडकर जो भीम आर्मी से हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार संतलाल जी। नमस्कार सर। पवार साहब, आपके पीएमओ को जो चैनल है उसका धन्यवाद। आप समय समय पर गरीब प्रताड़ित महिलाओं की जो आवाज़ उठाते हो सराहनीय है। तो साहब ये जो मुद्दा है, मुद्दा एक्चुअल में क्या है, बनाया जा रहा है, मुद्दा नहीं है एक्चुअल में। जो कोविड महामारी के दौरान इन लोगों ने बड़ा सफ़र किया है, बड़ा तकलीफ उठाई है, बड़ा रिस्क उठाई है, इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, और ये भी बच्चों को दूर रख के, दूध पींदे बच्चों को ना अपने शरीर से दूर रख करके, कौन रखता है अपने छोटे छोटे बच्चों को? तब इन्होंने इस महामारी के दौरान लोगों की जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दी थी, सरकार ने ही, इस हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, दुष्यंत चौटाला सरकार ने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारा सहयोग करो। इन लोगों ने सहयोग किया अपने बच्चे छोटे छोटे छोड़ के। आज इनके पेट पर लात मारने का काम जो मनोहर लाल सरकार और दुष्यंत चौटाला सरकार और यहाँ की डीसी मैम कर रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त की बात है। भीम आर्मी के तमाम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म या एक एजेंडा बना लिया है कि जब तक इन लोगों को इनका हक अधिकार नहीं मिलेगा, समान से इनको नौकरी नहीं मिलेगी, तब से हम भीम आर्मी के, समस्त भीम आर्मी के जितने पदाधिकारी हैं इधर, बिल्कुल भी सरकार को चेताना चाहते हैं, हिसार के शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं, या तो इनका हक अधिकार दिया जाए। ये कोई फर्जी नहीं है। आप लोगों को पिछले दरवाजे से फर्जी लोगों को नौकरी में घुसेड़ दिया और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हुए चाहिए कोई नहीं। ये देश लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर संविधान से चलता है, संविधानिक दायरे में रह करके इन लोगों को, इन बहनों को, इन भाइयों को नौकरी दी जाए, वरना जल्द ही भीम आर्मी की रूपरेखा तैयार है, चाहे BNR हो, चाहे ये अपना CMO मैडम हो, इनका घेरावा किया जाएगा। जय भीम, जय भीम आर्मी। क्या कहना चाहेंगे सर? जय भीम सर। मैं विजय अठवाल। देखिए सर, लगातार ये लोग, इन लोगों को जब से काम पे रखा गया, इनके साथ जाती आ रही थी, आपने देखा होगा, ये इन लोगों को एक नाम दिया गया था कि ये कोरोना योद्धा है। आज ये कोरोना योद्धा दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इन लोगों को नौकरियों से हटाया गया जिस टाइम पे ये लोग जान जोखिम में डाल के अपना काम कर रहे थे, बखूबी से काम को अंजाम दिया इन लोगों ने। सफाई कर्मचारी लोग भी हमारे, सिक्योरिटी गार्ड भी इनके अंदर हैं, ये तमाम सारे साथी उस टाइम पे कोरोना योद्धा कहलाए गए। हम लोग बार बार सोशल मीडिया पे पोस्टर डाल रहे थे कि भाई कोरोना योद्धा हमारे, जो कि इस जंग को पार लेके जाएंगे। उन कोरोना योद्धाओं को आज ये जो हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री है हमारे, जो कि मनोहर लाल खट्टर जी है, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ही नुमाइंदगी से इस हॉस्पिटल का, संजीवनी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, जो कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसकी नींव रखी गई थी, तो उसका विरोध भी किया गया था कि भाई उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन के समय पे काफ़ी लोग आए हुए थे तभी भी, लेकिन जो सामाजिक लोग थे वो ये कह रहे थे भाई जो भी हो रहा है कोरोना की जो गाइडलाइन, कोरोना को हमने ख़त्म करना है। तमाम सामाजिक लोगों ने उस चीज़ का समर्थन किया था। आज उन्हीं सामाजिक लोगों को उस चीज़ का विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो ये जो कर्मचारी हैं, इन लोगों को हटाया गया है वहाँ से। हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है या दुष्यंत चौटाला जी है, कि जिन योद्धाओं को आपने कोरोना योद्धा का नाम दिया था, उन योद्धाओं को वापस लिया जाए। पीछे की जो दरवाजे से भाई भतीजावाद के जो एजेंसी के जो लोग हैं, जिस एजेंसी जो लोग एजेंसी जो काम कर रही है, वो अपने लोगों को अब, जो कि एक बीमारी का जो संकल्प था वो चला गया है, उस बीमारी के दौर वो गुजर चुका है, अब अच्छे व्यक्तियों को उसमें ढुकाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ काम करो, और जो जिन लोगों ने जान का जोखिम उठाया उनको हटा दिया गया है। सर, भीम आर्मी पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके खड़ी है, या तो सरकार प्रशासन हमारी मांगे को मान लेगा, नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, आपने तमाम बातें सुनी। भीम आर्मी और जो संजीवनी हॉस्पिटल से हटाए गए कर्मचारियों की मांग बार बार उठती है, डीसी का घेराव करते हैं, कभी जो